introduce our eminent speakers of this session in an alphabetical order. I welcome Mr. Amit Gehlot, founder and CEO, PropertyExpo.com. Out of his rich 17 years of experience, Mr. Gehlot has dedicated 10 years to the real estate. He has helped bridge the gap between technology and real estate via the brand PropertyExpo.com, the new age property tech company backed by AI and ML. Amit Gehlot is also a pioneer in conducting on-site project training for large sales teams and training capsules for different projects of different developers. Can I request Amit to give his opening remarks, please? Hi, Mr. Javi. First of all, good afternoon to you, Ananta ma'am, Rahul ji, Vivek ji, Renu, ji, Tripti, and everybody who is listening right now. So basically, I've been into this real estate focusing on Gurgaon for the last 11 years, and I've seen these all areas from Dwarka Expressway to Sohna to New Gurgaon to Dwarka Road. I've seen and selling like anything for the last 11 years. And training people, training myself also, because to train somebody, you have to get ready first and then you can train. So basically, Gurgaon is all about the blessings of Almighty, because Gurgaon has something charismatic in it. Because yahan pe bolte hain ki mitti kab sona ho jaye, you never know. So if you talk about last 10 years of Gurgaon, we have seen two master plans. Pehla aaya, phir dusra aaya. But somehow Gurgaon ki jo connectivity ka problem tha, wo sort out karne mein lagi rahi government. And right now, ये बहुत तेजी से इसको कनेक्टिविटी पे जोर दिया जा रहा है और नेक्स्ट 5 इयर्स गुड़गांव को बिलोंग करेंगे. उसके दो रीजन है बहुत बड़े. एक तो सब जानते हैं कि जॉब्स आर देयर एंड एवरीथिंग, एवरीबॉडी, लैक्स ऑफ लैक्स पीपल आर ऑन एन ईयर कमिंग टू गुड़गांव लाइक एनीथिंग. एंड यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है इज ऑल्सो वेरी हाई. सो एंड तो यहाँ पे जो हाउसिंग और कमर्शियल का रिक्वायरमेंट है बहुत बढ़ना है. तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ड्रॉबैक गुड़गांव का ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. तो नोएडा से लोग कंपेयर करते थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी प्राइस हाई हैं. बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डेवलपर्स हैं यहाँ पे, दे आर बिग डेवलपर्स इन द सेंस बिकॉज दे हैव लार्ज लैंड बैंक्स, द लैंड इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो कनेक्टिविटी पे अभी जोर दिया है गवर्नमेंट ने एंड 5 ईयर्स गुड़गांव को बिलोंग करेंगे. उसका रीजन है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, अभी हमें गुड़गांव को बोलते हैं मिलेनियम सिटी, बट अभी 5 साल लगेंगे और 5 साल में फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे टू सोना रोड, बादशाहपुर चौक और गोल्फ कोर्स रोड और एसपीआर कनेक्टिविटी, ये जितनी भी चीजें हैं, आप 20 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे. और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो ट्रेवल टाइम है, बिकॉज कहीं भी आप वर्ल्ड में जाइए, बिकॉज वहां पर ये नहीं देखा जाता कितने किलोमीटर हैं आप. इट्स ऑल अबाउट द ट्रेवल टाइम, इट्स ऑल अबाउट द मेट्रो कनेक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियल कनेक्टिविटी. तो गुड़गांव में 20 मिनट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ गुड़गांव इन नेक्स्ट 5 इयर्स वन कैन रीच. एंड सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अभी आई हैं, चाहे वो दीनदयाल हो, चाहे वो अफोर्डेबल हो, तो उससे एक पंप मिला है. जो छोटी जमीनें पड़ी रहती थी जिसको लॉन्च नहीं, पहले क्या होता था 11 एकड़ ये चाहिए, कमर्शियल में इतना चाहिए, आज के डेट में जो ये स्कीम्स आई हैं और इसमें जो प्राइस का कैप नहीं है, तो उससे जो बड़े डेवलपर्स भी हैं उनको एक सपोर्ट आया है कि कहीं ना कहीं हम जाकर के इसमें. मैं आपको कहूंगा कि जो जो मेजर डेवलपमेंट है जिससे ग्रोथ आएगी, वो देयर आर टू थिंग्स. जब वो जो पैचेस होते थे 5.5 एकड़, 8 एकड़, 7 एकड़, जो किसी भी यूज के नहीं हुआ करते थे, एंड उसमें डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल था, छोटे प्लॉट्स में डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल था, रजिस्ट्रीज नहीं होती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने लीनियंसी दिखाई है, एससीओ में दिखाई है. अब देखिए the market is flooded with all these schemes and these SEOs and सबसे बड़ी बात, कुछ बहुत अच्छे developers ने कोशिश की है कि SEOs को बिल्कुल high street की तरह match किया जाए और जो दीनदयाल schemes हैं उनको बिल्कुल luxury segment में लेके आया जाए, जिससे कि एक अच्छी location पे जहाँ पे 3-4 crore का rate है, वहाँ पे compact luxury दे करके और वो 1.5 crore के अंदर में, आप सोचिए कि गॉल्फ एक्सटेंशन में नोबडी कैन थिंक ऑफ कि भाई ग्रैंड हयात के सामने आपको 1.25 crore में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता. बट ये वो ट्रेन है जो निकल चुकी थी 10 साल पहले,
और अभी वापस आ गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि बीइंग कॉर्पोरेट हाउसेस जो कि आ गए हैं गुड़गांव में, उसके अलावा जो यहाँ के होम ग्रोन डेवलपर्स हैं, ठीक है, वेदर इट इज स्पेस, मैप्सको, एसएस ग्रुप, ऑरेस, बेस्टेक एंड ऑल दीज, बिकॉज बहुत लंबी लिस्ट है, तो यही लोग हैं जो गुड़गांव को गुड़गांव बनाएंगे। कॉर्पोरेट हाउसेज आएंगे, बिरला है, गोदरेज है, इवन डीएलएफ को भी हम कॉर्पोरेट हाउस में आज के डेट में काउंट करते हैं, बट ये जितने भी लोग हैं दे हैव डेवलप्ड। आप देखिए, इफ यू टॉक अबाउट मैप्सको, न्यू गुड़गांव में कितना बड़ा, देखिए आप कासाबेला का जो लोकेशन है, एंड राहुल जी अभी है मेरे साथ में, तो माउंट विले एक एग्जाम्पल है, उस प्राइस में वो प्रोडक्ट देना, एंड सेम विद अनंता जी मेरे साथ हैं, तो इनसे अच्छा तो मार्केट को कोई देख नहीं सकता आज की डेट में। एक्सपीरियन इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। सो मेरा जो मानना है वो ये है कि अभी एवरी पॉकेट ऑफ गुड़गांव विल ग्रो, वेदर इट्स गोल्फ कोर्स रोड, इट हैज ऑल्सो बीन ग्रोन, एक्सटेंशन इज ऑल्सो बीन ग्रोन, एसपीआर, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी वो जो अपना द्वारका एक्सप्रेस वे है उसका जो दिल्ली वाला पार्ट है फ्रॉम 102 से लेके और 1113 तक, और उसमें सबसे मेजर पार्ट जो प्ले करेगा वो 114, 115, 109, 113 एंड 11 ये 108 ऑल्सो। तो ये जो पूरा पैच है ये डोमिनेट करेगा, बिकॉज वहां से जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की, और वहां से गुड़गांव आना भी आसान है, बिकॉज देयर इज अ लूप ऑल्सो देयर। एंड अगर अभी लोगों को लगता है कि यार वो तो वो एरिया कवर करेगा, लेकिन यू नो वन कैन बिलीव विद इन 8 मिनट्स यू रीच न्यू गुड़गांव। तो उसके बाद जो मेजर रीजन आएगा वो आएगा सीपीआर, ये 3 किलोमीटर का बेल्ट है, उसमें जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो बूम करेगी। बिकॉज अगर हम आईएमटी मानेसर की स्टोरी देखें, गुड़गांव इज ऑल अबाउट क्या कि इधर उद्योग व्यास, इधर आईएमटी मानेसर डेवलपमेंट आया, कॉल सेंटर इंडस्ट्री आई, डॉलर का प्राइस ऊपर गया, तो ये सब चीजों की वजह से गुड़गांव बना। तो इवन एक रिक्शा वाला और एक सब्जी वाले ने भी यहाँ पे अपने घर बनाए, तो मैं बड़े लोगों की तो बातचीत ही करता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स विच रियली मैटर्स। तो गुड़गांव 5 साल कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। तो आज की डेट में मैं जो स्टडी करता हूँ, मेरे हिसाब से 4 मार्केट्स इंटरनेशनली, जिसमें से गुड़गांव का बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। आप देख सकते हैं कि लैंड का कॉस्ट, एक प्लॉट जो 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड होता था एक साल पहले, वो आज 1.25 लाख में ट्रेड हो रहा है, एंड पहले कोई खरीदता नहीं था, आज की डेट में लाइन। सो गुड़गांव एक ऐसी मार्केट है, यहाँ पे अफोर्डेबल भी बिकता है, यहाँ पे कैमिलियर भी बिकता है, यहाँ पे क्रैश भी बिकता है, यहाँ पे हार्ट सॉन्ग भी बिकता है, यहाँ पे विंचेंस भी बिकता है, और यहाँ पे माउंट विले एंड कासाबेला भी बिकता है, ठीक है। सो सारी मार्केट्स है, थोड़ा सा न्यू गुड़गांव स्टेबलाइज हो गया है, बट न्यू गुड़गांव का एक अपना एक रोल है, बिकॉज दैट इज द एरिया विच हैज बीन डेवलप्ड ऑलमोस्ट एंड इट हैज बीन राउंडेड बाय 4 मेजर हाईवेज। तो न्यू गुड़गांव has a very special role, but if somebody is entering now, so उनके लिए इतना कुछ नहीं है। तो जो आज आना चाह रहे हैं उनके लिए सोना as a market बहुत grow करेगा, because होता क्या है कि जो अभी new highways आ रहे हैं और 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच रहे हैं, corridor आ रहा है, plus IMT जो सोना है that is 1500 acres, अभी तक वो क्यों नहीं चला, उसका reason ये था कि वहां पे लैंड का जो वाटर है, वाटर इज सॉल्टी, सो वो थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो कनेक्टिविटी है, सो वो सोना मैं कहूंगा कि जितने भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं वो सोना के ऊपर, और इवन उसका नाम भी अभी साउथ गुड़गांव है, तो देखने वाली बात है कि द्वारका एक्सप्रेस वे एंड सोना एंड न्यू गुड़गांव में एसपीआर का लेफ्ट हैंड साइड जो एनएचएट के है वो एरिया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बूम करेगा एंड यूजर्स के लिए बूम करेगा, बिकॉज अभी पकड़ में है। आप 1.25 करोड़ में एक अच्छी प्रॉपर्टी रहने के लिए आप खरीद सकते हैं, प्लस कमर्शियल इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल। आप एक बहुत अच्छी शॉप 40-45,000 रुपीज पर स्क्वायर में ले सकते हैं, जो कि एक्सटेंशन है गोल्फ कोर्स रोड में, 1 लाख के ऊपर चली जाती है, रेडी टू मूव इन अगर मैं बात करूँ 75,000 चली जाती है। तो मेरा मानना है कि जो मार्केट वॉच करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर को इस टाइम वॉच करनी चाहिए वो न्यू गुड़गांव का लेफ्ट हैंड साइड,
78, 76, 79, ये जो एरिया है 70, एंड सीपीआर 36A जो वहां पे अभी सुमितोमो इज देयर, देन 84, 89, ये जितना भी पैच है ये भी बहुत ग्रो करेगा बिकॉज डीएलएफ इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, अदर डेवलपर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि 12 साल से एक्सपेक्टेशन रही है लोगों की कि शेयर आया शेयर आया शेयर आया, तो अभी शेयर आ गया है लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है, बट शेयर आ चुका है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी देयर। ओके Right. तो Thanks for sharing your opening remarks.